छतरपुर के बागेश्वर धाम में शुरू हुए धर्म रक्षार्थ यज्ञ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के यज्ञ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी हनुमान जी के दर्शन कर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात भी की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे। आपको बता दें, बागेश्वर धाम में धर्म रक्षार्थ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का यज्ञ चल रहा है, जिसमें कमलनाथ ने शिरकत की। कमलनाथ पहले बागेश्वर धाम में बने हेलीपैड पर उतरे, जहां उनका कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने बालाजी हनुमान जी के दर्शन कर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। कमलनाथ ने इस मुलाकात पर कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैंने छिंदवाड़ा में भी हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर बनवाया है। हनुमान जी के दर्शन करके मैंने प्रदेश की जनता के कुशल मंगल की कामना की है। वही उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुत्व सबका है, उस पर सिर्फ बीजेपी का ही अधिकार नहीं है। और जब उनसे पूछा गया कि महाराज यहाँ भारत तो हिंदू राष्ट्र बनाने का यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत संविधान से चलता है। 101 फुट से भी ऊंचा मैं हनुमान जी के दर्शन करने प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।